भाजपा आगू हरजीत ग्रेवाल के नाल इंडिया न्यूज़ पंजाब की टीम के वलों खास गलबात की गई है। तो खास गलबात दे विच हरजीत ग्रेवाल के वलों 11 संकल्प पंजाब के पिंडा दे लई भी गलबात हुई है। तो राम रहीम दे विवाह चंगा है हरजीत ग्रेवाल के वलों कहा गया। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे साडे सारे ही दर्शकों नूं अरुण वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। पंजाब की राजनीति दे विच माहौल जिहड़ा गरमाया पिया, अज साडे नाल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आगू हरजीत सिंह ग्रेवाल ने उन्हां दे नाल गलबात करांगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ा गठबंधन हैगा संयुक्त अकाली दल होवे या फिर पंजाब लोक कांग्रेस, उन्हां वल्लों अज 11 संकल्प लए गए ने खेतीबाड़ी नूं लै के ग्रामीण इलाके नूं लै के। गलबात करदे आ ग्रेवाल साहब, ग्रेवाल साहब अज जिहड़े संकल्प लए ने की कुछ हैगा उन्हां दा? देखो मैं समझदा पिंडां दे विकास दे लई है और पिंडां दे अंदर ही रुजगार उपलब्ध होण जो साडी सोच सीगी, और हर खेत को पानी हर हाथ को काम भारतीय जनसंघ कहती सी, तो उस लैके असं अगे बधे हाँ और NDA भी उस लैके बध रहा। प्रधानमंत्री जी का विजन के नौजवान जोड़े आ रुज़गार लभण वाले ना बन, रुज़गार देने वाले बन, तो उन्होंने इन्ना मजबूत सशक्त किया जाए, वो असं वचनबद्ध हाँ। साहब कर्जा माफ़ी की गल की गई है, तुम्हें लगता 3 लाख करोड़ कर्जा होने के बावजूद भी पंजाब इदा की सहूलत दे सकता पंजाब के लोगों किसानों? आमदन किस तरह बढ़ेगी वह भी करांगे ना, और ये लुट सुट किदा खत्म होएगी वह भी करांगे, वो अगे आ लैण दे संकल्प पत्र पूरा उदे सारा कुछ देंगे, सब विजन देंगे। कितना का समय हैगा लगता है चोण मैनीफेस्टो जारी कर दिता जाएगा? 2-3-4 दिन मेरा ख्याल है 12 तरीक या 11 या 12 नूं करांगे। अज कैप्टन अमरिंदर सिंह गैर हाजिर रहे ने जी, वो अपने व्यस्त ने उत्थे कार्यक्रमां च अपनी कंस्टिट्यूएंसी च, ते वो कोई ऐसी गल नहीं है, वो खुश ने। ग्रेवाल साहब एन चोणां दे माहौल दे विच जदों माहौल बिल्कुल गर्म होया व्या उदों राम रहीम नूं फरलो दे दित्ती जांदी आ, की मायने करदे हो तुसीं? कानून अपना काम कर रहे, 6 महीने पहला चलता है, प्रशासनिक व्यवस्था होंदी है उहदे मुताबक उहनूं मिली है, उहदा कानूनी अधिकार आ, हर बंदी दा अधिकार हुंदा, हर कैदी दा अधिकार हुंदा, जेल मैनुअल दे मुताबक मिली है, उहदे च की दिक्कत आ? डेरा प्रेमियां दी इक संगत दे विच तुहाडी बड़ी फोटो एक वायरल हो रही सी, उह की हैगा जी? मैं सलावतपुरा डेरा गया सी, मैं डेरे का पैरोकार नहीं है, पर मैं उन्होंने काम बहुत अच्छा लग्या, मैं जाके देखिया 24-25 लाख लोग सी, वो सेवा दे काम करते हैं, 10-10 रुपए अपनी जेब चो पाउंदे, गरीब लोग ने, किरती कामे मजदूर ने, ये सरमाएदार लोग उन्होंने दबाते रहेंगे, होर कोई गल नहीं है। अच्छा एक गल तो हैगी है भी चंगा आचरण जेकर जेल दे विच कैदी का होवे उन्हूं फरलो ते पैरोल दित्ती जांदी है, लगता तुहानूं उन्हां दा आचरण जिहड़ा तब्दील होया बदलिया? नहीं बदलिया क्यों है, वो पहला भी आचरण ठीक सी, हुण भी ठीक है, वो ठीक है कि कानून के नज़रिए नाल वो उन्होंने सज़ा हुई है, तो अगे भी कानून के नज़रिए नाल ही काम चलता है, हो सकता कानून कदे ये समझ आ जाए कि ये निर्दोष ने तो उन्होंने छड़ भी सकता। ग्रेवाल साहब एक आखिरी सवाल पूछांगा, थोड़ा जिहा तिखा जरूर होएगा लेकिन मीडिया कर्मी होने के नाते पूछना बनता, तुसीं जदों किसान अंदोलन सी तुसीं विरोध का सामना किया, किसानों ने तुहाडे दफ्तरां दी भन्न तोड़ की, तुहाडा नाम सब तो अगे रहा लाइमलाइट दे विच तुसीं उस समय आए, अज जदों BJP दे पोस्टर पूरे पंजाब दे विच लगे ने उहदे विच तुहाडी फोटो क्यों गायब है जी? उहदा जवाब मैं नहीं दे सकदा, उहदा जवाब गजेंद्र सिंह जी साडे चुनाव पर प्रभारी ने, वो दे सकदे आ, ते मैनूं उहदा कोई, मैं फोटो दे चक्करां च नहीं रहिंदा, मैं संगठन दा कार्यकर्ता, मेरा रोल मेरा संगठन तय करदा। की दावा करदे हो इन्हां चोणां दे विच BJP किद्दां किड्डी क लीड लैके जाए? रिस्पेक्टेबल सीटां आउणगीआं सानूं, साडी रिस्पेक्टेबल प्रेजेंस होएगी, साडे तों बिना कोई सरकार नहीं बणेगी। सो इस के हरजीत सिंह ग्रेवाल BJP के सीनियर आगू है, इन्हों का कहना है कि जिनी उम्मीद जी जताई जा रही है वो तो वह BJP बहुमत के नाल सीटा आन गया। कैमरामैन लक्ष्मण सिंह के नाल अरुण आहूजा, इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़।